अलवर के औद्योगिक इलाके में 800 करोड़ रुपए खर्च कर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन तो गया, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2011 में हुई थी। काफी समय से ये बनकर तैयार है, लेकिन ईएसआईसी ने इसके संचालन से इनकार कर दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं ईएसआई मेडिकल कॉलेज, जो यहाँ लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से यूपी सरकार के टाइम में शुरू किया गया था। आज प्रोजेक्ट लगभग बनकर के तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार इसे चलाने में असक्षम नजर आ रही है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि ईएसआई मेडिकल बनकर को तैयार हो गया है, लेकिन इसे राज्य सरकार अपने स्तर पर चलाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। मेडिकल कॉलेज है, चंबल का पानी लाने की बात है, इसके साथ साथ जो हमारी सैनिक स्कूल है, उसके साथ साथ मेट्रो ट्रेन है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो शुरू हुए थे, जिनके ऊपर काम शुरू हो गया है, उनको ठप कर दिया गया है। औद्योगिक इलाके में काम करने वाले श्रमिकों की भी यही मांग है कि जल्द से जल्द अस्पताल शुरू हो और उन्हें जरूरत के वक्त जयपुर और दिल्ली नहीं भागना पड़े। चालू होना चाहिए। क्या फायदा मिलेगा अपन सब लोगों को? सबको फायदा मिलेगा सर, दवाई गोली फ्री मिलेंगी। इसे चालू करना चाहिए हॉस्पिटल को, इसे हमें सुविधा और भी मिले। उसके लिए हम जयपुर जाना पड़ता है, वो वहाँ पे नहीं जाना पड़े। ये होना चाहिए ना, हर किसी को सुविधा होनी चाहिए। इसकी जो मीडियम वर्ग के लोगों को सुविधा, मीडियम वर्ग के लोगों को दिक्कतें आती है, बड़े लोगों को तो आती काम है, तो जयपुर भी थोड़ी देर में चले जाते हैं। छोटे आदमियों को दिक्कत होती है, चालू होनी चाहिए। रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा का भी यही कहना है कि राजनीति के चलते ये शुरू नहीं हो पा रहा। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? केंद्र और राज्य में तो बीजेपी की ही सरकार है। शुद्ध राजनीति आड़े आती है, और मेरा बहुत बोलना फिर कई बार ऐसा लगता है ज्ञानदेव जी के विवादास्पद बयान, और विवादास्पद बयान देने में मुझे संकोच नहीं है, लेकिन यहाँ 800 प्लस 300 करोड़ 1100 करोड़ इस ईएसआई के हॉस्पिटल पर, ईएसआई के मेडिकल कॉलेज पर लगा है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी, किसी ने भी उस समय प्रयास किया हो, मैं खुद श्रमिक नेता रहा हूँ और मैं जानता हूँ ईएसआई क्या है। मेडिकल सुविधा मजदूर को मिलनी चाहिए। मजदूर को जनता के 800 करोड़ रुपए तो खर्च हो गए, बावजूद इसके श्रमिकों को आज तक फायदा नहीं मिल पा रहा। वजह जो भी हो, लेकिन सवाल ये कि क्या जनता की गाढ़ी कमाई के 800 करोड़ बेकार चले जाएंगे और श्रमिक परेशान ही होते रहेंगे? जुगल गांधी, जी मीडिया, अलवर।